उम्मीद ही नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा रास्ता मिलेगा। जैसे लग रहा है लंदन में आ गया हूं मैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। स्वागत है आप लोगों को वंस अगेन मेरे चैनल पे। मैं सुमन और मेरी वाइफ टाइनी। सो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हम लोग सिलीगुड़ी को टाटा बोलेंगे क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे सीधा गैंगटॉक। आज का हम लोगों का डेस्टिनेशन है गैंगटॉक। सो पिछली रात ईशानगंज में बहुत जैम था, बहुत कम से कम 23 घंटे लगा दिए हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचने, क्योंकि हम लोग मजा लेते लेते आ रहे थे। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी फिट हैं बिल्कुल, निकलेंगे अभी, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा चले जाएंगे गैंगटॉक। यहाँ से 110 किलोमीटर दिखा रहा है गैंगटॉक, पहुँचने में सब मिला के 6-7 घंटा लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ 5 बजे के अंदर गैंगटॉक पहुँच जाएंगे हम लोग आज। और ये होटल हिमालयन रेजेंसी है, ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। और टॉयलेट तो आप रह सकते हो इधर, स्टार्टिंग होता है 1300 रुपये से। तो चलो अभी सीधा मिलते हैं आप लोगों से मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे और बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? समीर। तो सुबह के 11 बजने वाले हैं, हम लोग निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन आप सबको। अभी जाऊंगा सीधा हवा चेक करवाऊंगा, पेट्रोल तो फुल है, कल रात को डाल लिया था इस्लामपुर से। स्प्रिंग के टाइम पे अगर आप आओगे तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन का जो सीनरी रहता है ना, जो दिखाता है भाई नेचर, मन को बहा देता है भाई। ये फॉरेस्ट का नाम है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेचर हम लोगों का वेलकम कर रहा है देखो, और ऐसा लग रहा है कोई फूल बरसा रहा है। हम लोग पहाड़ में एंटर करने वाले हैं तो उसके हिसाब से हम लोगों का स्वागत हो रहा है भाई। वो देखिए एक्शन कैमरे में आता है, आ रहा है कि नहीं पता नहीं भाई। पहाड़, मेरा प्यार यार, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास फिर से एक बार, और हर साल मैं आऊंगा तुम्हारे पास बार बार। वाह कैसा लग रहा है भाई, थोड़ा सा और क्लियर होता वेदर तो और भी बढ़िया व्यू मिलता आप लोगों को। यहाँ पे एक टेम्पल है भोलेनाथ की और माँ काली की, तो हम लोग पहले उस टेम्पल को विजिट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों का जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम हुआ 11:51 AM और हम लोग रुके हैं माँ काली के मंदिर के सामने, जो सेवक रूप में जो दो मंदिर है, एक माँ काली के मंदिर है और एक मंदिर है वो है महादेव की उधर। सो पिछली बार हम लोग जब आए थे तो हम लोग महादेव के मंदिर दर्शन किए थे, और इस बार हम लोग माँ काली के मंदिर दर्शन करेंगे। तो मैं नहीं गया क्योंकि किसी एक को जाना था, इसलिए शाइनी गया है। बाइक तो देखना पड़ेगा ना, तो मैंने उसको जाने के लिए बोला। तो उम्मीद करता हूँ हम लोगों का जो राइड है पूरा भगवान के आशीर्वाद के बिना तो नहीं होगा ना, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए इधर रुके हैं हम लोग, और वो लोग गए हैं पूजा देने के लिए। নাম ইন্দ্র দাস, গোত্র আশুক। ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ हम लोग, अभी आ गया है मोमो, उसके बाद आएगा थुप्पा चाउमीन सब कुछ है। आपने क्या ऑर्डर किया है? मोमो। और कुछ नहीं खाएंगे? एक थुप्पा लेंगे उसके बाद। तो कौन बना के देगा, अभी तो बोल दो। पेट के अंदर जगह रहेगा तो खाएगा। तो आपने मैडम क्या ऑर्डर किया है? और कुछ नहीं, तो चाउमीन कौन खाने का है? तो कुणाल के लिए चाउमीन है स्पेशल। तो चलो अभी तो मोमो खाते हैं, उसके बाद थुप्पा आएगा, चाउमीन आएगा तो खाना है, उसके बाद ऑर्डर करें। ठीक है, बोलो आगे, बोलो कैसा टेस्ट है।
सो अभी टाइम हो चुका है, लगभग लगभग एक बजने वाला है और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट किया है, अभी निकल रहे हैं सीधा गैंगटॉक के लिए। यहाँ से गैंगटॉक है 92 किलोमीटर, 3-3.5 घंटा लग जाएगा। और देखो ट्रक, कितना ट्रक आ रहा है भाई, पता नहीं भाई, रस्ते का काम चल रहा है इसलिए सब जल्दी में है। बहुत लग रहा है सामने कुछ हुआ है इसलिए इतना लंबा लाइन लग गया है। मुझे तो लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुआ है, सामने जाने से पता चल जाएगा, बहुत लंबा लाइन है भाई। चलो देखते हैं आगे आगे। बाजार तक रास्ता बिल्कुल सही है, ऑफ रोडिंग बिल्कुल नहीं मिला है, मतलब क्या ही बोलूँ आपको, मैं उम्मीद ही नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा रास्ता मिलेगा। पर जैम मिल रहा है भाई, क्यों इतना क्यों जैम मिल रहा है ये मेरा क्वेश्चन है। अभी भी तो 13 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, 13 किलोमीटर तक जैम रहेगा। इतना अच्छा रास्ता होने के बावजूद भी इतना क्यों जैम हो रहा है, इतना आगे जाएंगे उतना पता लगेगा। सर लैंडस्लाइड हुआ है क्या? ओ रास्ते का काम हो रहा है, अच्छा अच्छा बहुत बड़ा जैम है तो नीचे एक्सीडेंट हुआ था ना, वो ट्रक लेके गया जो, अच्छा सो वो एक्सीडेंट की वजह से ही इतना बड़ा जैम था। थैंक यू सर। तो लगभग लगभग 30 किलोमीटर के बाद मुझे एक ऑफ रोडिंग पैच मिला है। अगर ऑफ रोडिंग नहीं मिलेगा तो मज़ा क्या है बे, क्या दोस्त क्या बोलते हो आप लोग, ऑफ रोडिंग अगर ना करो तो पहाड़ में जाने का क्या फ़ायदा। और कीचड़ भी हुआ हुआ है देखो, पानी वानी दे के कीचड़ कर दिया है भाई। अयो निकल जा निकल जा निकल जा। चलो अभी थोड़ा रुकते हैं इधर। चलो निकलते हैं। ब्रदर इस जगह का नाम क्या है? 29 माइल। अभी टाइम हुआ है 2:31 PM। अभी हम लोग रुके थे 29 माइल करके एक जगह है, वहाँ पे कुछ शॉर्ट वॉट लिए। यहाँ से 66 किलोमीटर है अभी गैंगटॉक। जैम तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो धूम वाला बाइक होता है ना, ब्लेड निकल आता है, धूम 3 वाला जो बाइक था आमिर खान ऐसे पानी पे कूदा दिया ब्लेड निकल आया स्पीड बोट बन गया, वो वाला एक बाइक खरीदना होगा। क्या कर रहा है ऐसा, पल्सर वल्सर छोड़ वो वाला बाइक के, ज्यादा घिस मत हाथों की लकीर मिट जाएगा। नीचे ही तीस्ता बाजार है और यहाँ पे आप कैंप कर सकते हो। ये कालिंगपोंग गैंगटॉक का जंक्शन है, तो ऊपर चले जाओगे राइट साइड से, ऊपर वाला साइड है कालिंगपोंग और नीचे हम लोग आ गए, ये रास्ता जाएगा गैंगटॉक की तरफ। चलिए इधर राफ्टिंग होता है यहाँ से, तो इधर रुका के आपको यहाँ पे बुक करना पड़ेगा राफ्टिंग के लिए। और ये यहाँ बोट, राफ्टिंग वाला बोट, आपका बोट आ जाएगा फिर तीस्ता नदी के ऊपर आप लोग राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए बोट जा रहा है राफ्टिंग वाला, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, इस टाइम में बहुत राफ्टिंग होता है। उधर राफ्टिंग चल रहा है, बंदा लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। सो 18 किलोमीटर है इधर से रोंगपो, उधर उसके बाद आएगा सिंगथाम, सिंगथाम से फिर जाएंगे हम लोग गैंगटॉक। सो यहाँ से रोंगपो है 2 किलोमीटर, सिंगथाम 13 और गैंगटॉक 41 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं अब उनका डेस्टिनेशन जिधर है, बस सिंगथम पहुंचने वाले हैं। सिंगथम अगर घुस जाए तो बस सिक्किम में आ गए हम लोग। वाओ क्या बढ़िया बनाया है ये टनल, मेरे बीच की आवाज गूंज रही है, ऑसम ऑसम। तो अभी टाइम है शाम को 5:06 और हम लोग होटल से 8 किलोमीटर दूर है और सनसेट का मजा भी लिया है हम लोगों ने, सब बहुत सारे पिक्चर्स भी उठाए हैं। तो वो सारे पिक्चर अगर देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं रील्स फोटो सब ऑलरेडी डाल चुका हूँ। भाई 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 भाई, भाई, भाई देखो गाड़ी कैसे, यहाँ के ड्राइवर को हम मेरे तरफ से एक बड़ा सैल्यूट है भाई, कहाँ कहाँ गाड़ी चला देता है भाई, कैसे पार्क करके रखा है देखो गाड़ी। यहाँ पे ड्राइवर लोग सब आर्टिस्ट है, ड्राइवर नहीं है, दम है उन लोगों में भाई।
हाँ अभी ठंड लग रहा है, अच्छा खासा ठंड लग रहा है अभी, तगड़ा जाम है इधर भी। एक्चुअली सिटी के अंदर है ना, तो इसलिए इतना ट्रैफिक जाम है इधर। ऊपर रोपवे चल रहा है, नीचे हम चल रहे हैं, और क्या चाहिए। हाँ पहुंच गए हम लोग होटल केनान, काजी रोड गैंगटॉक। भाई क्या रोड था, ऐसा ऐसा पूरा ऐसा रोड है। कैसा लगा मेरा मजाक? स्वर्ग यात्रा है, स्वर्ग यात्रा। सो दिस इज द होटल, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज रात को। होटल पहुंचने के बाद ही हम लोग निकल पड़े रेडी होके टूवर्ड्स एमजी मार्ग के लिए। और जब यहाँ पहुंचे तो पहुंचने के बाद ऐसा फील हुआ कि भाई कहाँ आ गए हम लोग, क्यों एमजी मार्ग का नाम इतना इतना होता है। अगर गैंगटॉक में आप आते हो तो क्यों आपको एमजी मार्ग आना चाहिए। वहाँ पहुंचने के बाद ही ये कंफ्यूजन, ये जो क्वेश्चन था मेरे माइंड में, वो क्लियर हो गया। वैसे तो बहुत बढ़िया जगह है भाई, मस्त जगह है, वैसे अच्छा जगह है, बहुत बस मस्त है भाई, जैसे लग रहा है लंदन में आ गया हूँ मैं। बढ़िया है सब कुछ, चिकन युद्ध स्टार्ट हो गया है, सबको चाहिए चिकन मोमो। तो चिकन मोमो के लिए हम लोग भाग रहे हैं, किधर मिलेगा। और भाई खाना खाने के लिए अगर इतना स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा तो भाई। वैसे तो आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर बहुत कुछ दिखाना है आप लोगों को, उसके लिए साथ पे रहिए और देखते रहिए क्रिएटिव शुमन।